बीते दिन गया के मोहनपुर थाना क्षेत्र के बुमुआर पंचायत के दर्जन खाप में जमीनी विवाद में अपने परिवार को फंसाने के नियत से प्राथमिक दर्ज कराकर परेशान करने का काम किया गया। उक्त मामले में अभियुक्त पक्ष ने अधिकारियों से उच्च स्तरीय जांच की मांग किया था। दरअसल दर्जन खाप के दिलीप यादव और उनके पूरे परिवार को उनके सगे फुफेरे भाई और बहन ने मिलकर मोहनपुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। दिलीप यादव ने कहा कि उसके फुआ और फुफेरे भाई और बहन के द्वारा एक जमीनी को लेकर लगातार धमकियां देते रहते थे कि पूरे परिवार को किसी न किसी केस में फंसा देंगे। विगत 28 दिसंबर को अजय कुमार शराब के नशे में धुत होकर मोटरसाइकिल से जाने के क्रम हथियार से लैस व नशे में धुत रहने के कारण गिर गया और रिवॉल्वर से गोली फायर हो गया, जिससे अजय कुमार को गोली लगने से घायल हो गया था। लेकिन दिलीप यादव के परिवार के साथ साथ नाबालिग बच्चे पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जबकि उसकी बहन रूबी कुमारी और अजय कुमार दोनों का बयान अलग अलग है। इससे प्रतीत होता है कि जानबूझकर फंसाने की नियत से उसने ऐसा किया है। अधीक्षक से पीड़ितों ने निष्पक्ष जांच कराते हुए विधि सम्बद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। करीब 8 बजे उसमें हम शामिल नहीं थे, हमें पता भी नहीं था इस बारे में, तो हम तो गया में पढ़ते हैं, मेरे पर भी केस कर दिया गया है और इस केस के बारे में हम तो कुछ नहीं जान रहे थे, तो भी हम पर केस करने की साजिश की गई है, तो इस पर कार्रवाई किया जाए। और हम गया में रह के पढ़ते हैं और यही रूम में हम लोग रहते हैं, यहीं पढ़ते क्या हैं। साफ चाहते हैं कि हमें गलत आरोप लगाया गया है, इससे आगे चल के हमारे भविष्य में दिक्कत हो सकती है, ये केस हमारे हम पर भारी पड़ सकता है, अगर कुछ आगे चल के नौकरी उकरी में दिक्कत हो सकता है हमें, तो हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई किया जाए। बैरिजे पुलिस अधीक्षक से हम कहते हैं कि जांच अच्छा से जांच किया जाए, इसमें जो गुनहगार है उनको पकड़ा जाए, निर्दोष को इसमें निष्पक्ष जाँच किया जाए अच्छा से। क्लास 12th में ग्राम दुर्जन खाप पोस्ट बिंदा थाना मोहनपुर के निवासी यादव हुआ, ग्राम दुर्जन खाप थाना मोहनपुर जिला गया। एक कांड जो है से 1155/2022 एक भी मेरा जो भतीजा लगता है फुआ का पोता हुआ, तो हम लोग से इन लोग से कोई विवाद नहीं है, पूर्व में 10 डिसमिल जो जमीन है था से लिख दिए थे पूर्व में, उसके बाद भी मेरा जमीन वहाँ पर करीब 1 बीघा पड़ता है, तो उन लोग हमेशा मनो कब्जाने का उपाय कर रहे हैं और कह रहे थे कि हम कभी भी आप लोग के अगर नहीं कब्जा करने दीजिएगा तो हम फंसा देंगे। हम लोग बोले कि मेरा ज़मीन जो मेरा भाई के नाम से रजिस्टरी ज़मीन है, रसीद कट रहा है करेंट, उसके बाद आपको हम कैसे दे देंगे। उसी के बीच बचाव में मेरे चाचा भी थे, चाचा भी बोले वो अपना बेटी के नाम से ज़मीन रजिस्टरी कर चुके थे, उसके बाद में चाचा बोले कि नहीं जो इन लोग बंटवारा कर दो, हम लोग भाई में सभी 3 जगह बंटवारा कर लिए थे, और उसके बाद बोले थे कि धमकी भी दिया था कि अगर किसी तरह से कभी न कभी आप लोग हम फंसा देंगे। ये जो घटना घटा है इसमें हम लोग 13 को जो नामजद बनाया है उसमें मेरा लड़का भी है देवा कुमार, मेरा भतीजा मनीष कुमार और मेरा चचेरा भाई भी है केसर दादा, इन लोग जो भी हम लोग के हैं 13 को जो नाम जो दिया 1155 केस संख्या 22 में जो है से सब हम लोग निराधार हैं। ये घटना भी आज 28 तारीख को 28 दिसंबर को, और इसमें हम लोग कोई यहाँ पर वहाँ नहीं थे, सब अपने घर पर 8 बजे रात्रि में सो रहे थे। ये जो भतीजे है मेरा वो हम लोग पर इल्ज़ाम लगा रही है कि हम लोग शाम के गए थे 8 बजे रात्रि में सामान लाने के लिए, यहाँ टाउन में आपका दुकान खुला रहता है लेकिन देहात में 8 बजने के पहले सभी दुकान बंद हो जाते हैं। जो हम लोग मेरा लड़कन को फंसाएगा वो गया में पढ़ते हैं और मेरा बच्चा का भविष्य है, उन लोग भविष्य ख़राब करने के लिए अभी भी धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा बाल बच्चा को नौकरी नहीं लगने देंगे और ज़मीन जो है से हम लोग कब्जा करके रखेंगे, और अज्ञात आदमी के लाकर हम लोग को हमेशा धमकियां और जो है से मनो बर्बाद करने के काम कर रहे हैं लोग, इसलिए कि हम लोग पूर्व में ज़मीन जो मेरा है वो मनो हथियाने का काम कर रहे हैं। क्या यही है SP साहब से या DIG साहब जो भी हैं सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इसमें जांच कर जो मनो उचित है उसको मनो जो कार्रवाई किया जाए, अगर हम लोग में दोषी है तो हम लोग पर भी कार्रवाई किया जाए। इसमें जो भी है मोबाइल का सिस्टम है, मेरा बेटा पढ़ता है और टावर इसमें जो लोकेशन है देख लिया जाए कि लड़कन का जो भविष्य किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, और एक हम पिता के नाते बोलेंगे कि हम जो मैं इसमें जो मैं मेरा फर्ज है, हम सोचते हैं कि मेरा भविष्य जो है मेरा बेटा के उज्जवल होगा आगे चल के, हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते घिनौना वाला काम, क्योंकि मेरी वो भतीजी है और इंजाम जो लगा रही है कि सुदामा यादव दिलीप यादव छेड़छाड़ किया है, ऐसा कभी हम लोग कर सकते हैं कि एक भतीजी और मेरे बेटी में क्या फ़र्क है कि जो हम लोग छेड़छाड़ करेंगे।
से जांच की मांग करते हैं कि जो इसमें जो भी है इसको जो हम लोग से मेरे पिताजी के भी हमला किया गया था पूर्व में और हम लोग अभी भी घात लगा के उन लोग घर पर जाते हैं तो धमकियां देती है और गाली गलौज भदा भदा ईंट पत्थर ऊपर से छत पर से ऑटोमेटिक चलाना स्टार्ट कर